नमस्कार, जनता दरबार न्यूज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर है और वास्तु में उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कोई भी डायरेक्शन को एडॉप्ट करने में या उसको उस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी लेने में, क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ा एक भ्रम ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है, साउथ और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है या डिलेज क्रिएट करती है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु के अंदर कभी भी ये चीज नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखी गई है कि साउथ या वेस्ट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। हमेशा डायरेक्शंस जो है वो आपका क्या प्रोफेशन है, आपकी क्या एनर्जीज है, उस हिसाब से ही आपके साथ में मैच करके आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। हमारे समाज में भी जो पूरी व्यवस्था है वो एक तरीके से, जिसको हम कास्टिज्म, मतलब एक होता ना कि वर्ण बनाए गए थे, चार वर्ण बनाए गए, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो ऐसे ही डायरेक्शंस भी इन्हीं वर्ण के कामों के हिसाब से अलॉट करी गई है शास्त्रों के अंदर। अब यहाँ पे जो वर्ण या कास्टिज्म का जो मैं नाम ले रही हूँ वो ऊंच नीच या ये इंसान ऊंचा है ये नीचे से मतलब नहीं है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एक डायरेक्शन किसी इंसान को सफलता के पीक पर लेकर जा सकती है अगर वो इन चीजों को मैच करना सीख जाए, जो कि मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो शूद्र होते हैं, शूद्र मतलब जो अपने हाथ का काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, उन लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छी बताई गई है। तो जो भी लोग हाथ का काम कर रहे हैं, उनकी या किसी की फैक्ट्री है या जिनके लेबर काम करती है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, उन लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है। इसी तरीके से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को यहाँ पे इंटेलिजेंस से बताया गया है। तो जो कोई भी इंसान ऐसा काम कर रहा है जहां पे इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट है, नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट है, पढ़ाई लिखाई का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। एग्जांपल के लिए आप कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है। इसी तरीके से जो वैश्य है, वैश्य मतलब ट्रेडिंग का जो काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वहां पर भी इंटेलिजेंस यूज होती है, तो उन लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन भी अच्छी है और ईस्ट डायरेक्शन भी अच्छी है। इसी तरीके से क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो लड़के, प्रोटेक्शन, जो वीरता का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी है। वहां के देवता ही मंगल है। मंगल क्या है? जो आपका बचाव, आपका प्रोटेक्शन है, जिनके अंदर अग्नि तत्व है, जो फायर है जिनके अंदर। तो जो लोग सर्जन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये मंगल है, ये अग्नि देवता है, तो उन लोगों के लिए इंजीनियर, टेक्निकल काम करने वाले लोग, उन लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है। तो यहां पे मैंने आपको एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल, एक क्ल्यू बताया है कि इस तरीके से डायरेक्शंस आप मैच करें अपने काम के साथ में, अपने प्रोफेशंस के साथ में, और आप देखेंगे कि इसके कितने अच्छे रिजल्ट आपको अपने काम के अंदर आएंगे। कभी भी ये ना माने कि नॉर्थ डायरेक्शन सबसे बेस्ट है, ईस्ट सबसे बेस्ट है, साउथ और वेस्ट नेगेटिव डायरेक्शन है।